लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मुझे एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए तो मैं महिलाओं के ऊपर मुद्दे पे काम करना चाहूंगी। अगर मुझे एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए तो मैं एक सीएम की पद को ना देखते हुए एक आम आदमी की तरह पूरे बिहार को देखना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम को देख के सभी लोग रास्ता खाली करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस जनता के कारण मैं बनी हूँ उनके साथ मैं चलूँ, ना कि अकेले चलूँ। सबसे पहले शराब बैन हटाएंगे बिहार से, एकदम लागू कर देंगे। सरकार ने जो चुतियापा काट रखा है इसके पीछे। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज हमने बिहार की जनता से पूछा कि अगर उन्हें एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे, और देखिए उन्होंने क्या क्या जवाब दिया इस पूरी रिपोर्ट में। आपको एक दिन के लिए सीएम बनाया जाएगा तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, फिर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इस सब पर। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे। और अपने लिए भी कुछ कीजिएगा? आपको क्या लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है? अभी शिक्षा का स्तर गिर गया है कोरोना के लेकर के। जितने अपराधी हैं उनको अंदर करवा देंगे, जितने अपराधी हैं उनको सबसे पहले अंदर, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर बहुत लोग मजाक बनाए हुए हैं बहुत लोग। अगर मुझे एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जब तक देश का या किसी राज्य का युवा का डेवलपमेंट नहीं होगा, आप किसी राज्य का विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहले युवाओं के शिक्षा के बारे में कुछ स्पेशल पॉलिसी लाऊंगा, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं, युवा हैं, यूथ हैं, कमज़ोर हैं, उनका शिक्षा कैसे हो पाए, उसके लिए मैं अपने प्रोविजन में अलग से फंड, जो युवा विशेष हो, मैं इस चीज़ का फोकस करूँगा एक दिन के लिए। बाकी और एक दिन में तो बेसिकली युवा के बारे में सोच सकता हूँ, बाकी और टाइम मिलेगा तो आगे सोच। मुझे एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए तो मैं महिलाओं के, जैसे कि उन्होंने कहा तो युवा की तो बात होगी, बट मैं महिलाओं के मुद्दे पे काम करना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो सशक्त नहीं है और जो काम नहीं कर पाती, जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है ना जिनके हस्बैंड नहीं होते, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ जो अभी सशक्त नहीं है, और मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहूँगी। आप क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए सीएम बनाया जाए तो मैं एक सीएम की पद को ना देखते हुए एक आम आदमी की तरह पूरे बिहार को देखना चाहूँगी। और उनका बदलाव क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीएम होते हैं ना तो सभी लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उनको, मतलब होता है ना कि उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बोल नहीं पाते, तो मैं आम आदमी की तरह अपने बिहार को देखना चाहती हूँ, ताकि वो अच्छे से हमसे डिटेल में बता सके क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि सीएम को देख के सभी लोग रास्ता खाली करते हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस जनता के कारण मैं बनी हूँ उनके साथ में चलूं, ना कि अकेले चलूं। आपको एक दिन का सीएम बनाया जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैं यही करना चाहूंगी कि जैसे स्लम एरियाज हैं उनको डेवलप करना चाहूंगी और युवाओं के लिए काम करना चाहूंगी। अगर मुझे सीएम बनाया जाता है तो सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंज लाना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे पर्सनली एक चीज़ क्या प्रॉब्लम लगती है, जो रिजर्वेशन कोटा है, उसके रिजर्वेशन कोटा को चेंज करके आई गेस लोगों को फैसिलिटीज़ देना चाहिए जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनको आप फंड दे सकते हो। लेकिन ये जो रिजर्वेशन कोटा है उसके कारण जो टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाते हैं, और फिर वही चीज़ आगे चल के फिर जो जैसे डॉक्टर। तो आप रिजर्वेशन पर काम करेंगे, आप किस चीज़ पर काम करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे बड़ा जो इशू है आज के डेट में इन इंडिया वो है सिक्योरिटी। आज के डेट में हम बाहर के आर्मी से तो लड़ लेते हैं, बट अपने अंदर के लोगों से नहीं लड़ पाते। अब आप इसको पॉलिटिकल ड्रामा कह लीजिए या फिर एलिगेशंस कह लीजिए, आपके ऊपर है, बट डिपेंड ये करता है कि अगर हमारी घर की लेडीज़ सड़कों पे सेफ नहीं है तो फिर हम किस विकास की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं वर्क करना चाहूँगा। आप किस चीज़ के लिए वर्क करना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मैं एजुकेशन, और दूसरा है हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ किसी मतलब स्टेट का अगर ख़राब हो तो फिर वो स्टेट नहीं होगा, वो मतलब समझ लीजिए तो एक तरह से जानवर का वो रहने का जो जगह होता है ना, वो आप कह सकते हो। आप किस स्टेज पे वर्क करना चाहेंगे? फर्स्टली तो हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी टाइट करना चाहिए यहाँ का, तो बहुत सारा रेप और ये वगैरह वगैरह हो रहा है। और दूसरा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मतलब प्लेयर लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, हाँ घूस चल रहा है, जो नहीं खेल रहा है उसके पापा के पास पैसा है, पैसा दे रहा है, खेल रहा है, जो टैलेंटेड है वो बैठ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये दोनों पे, स्पोर्ट्स पे ही है, जैसे जितना भी पार्क्स हैं उनको बस टहलने के लिए बना दिया गया। जैसे हम लोग भी खेलने आते तो दिन भर गेट बंद रहता, हम लोग कूद के आते हैं यहाँ पर, तो कम से कम लोगों को खेलने के लिए पार्क तो अवेलेबल होना चाहिए।
सारे पार्क जितने थे, जितने कॉलोनीज में पार्क, हम भी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ भी पार्क है, तो दोनों उसको पार्क बना दिया गया घूमने के लिए बस। मतलब बच्चों को क्रिकेट खेलेंगे, आउटडोर गेम्स के लिए कोई यही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं बचा। वही मेरा पॉइंट है कि कम से कम उसके लिए चाहिए थोड़ा कि बच्चे खेल सकें। हम तो सबसे पहले शराब बैन हटाएंगे बिहार से, शराब लागू करेंगे, एकदम लागू कर देंगे। सरकार ने जो चुतियापा काट रखा है इसके पीछे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, पर्यटन का बैंड बजा कर रख दिया सरकार ने। किस वजह से? शराबबंदी की वजह से। शराब नहीं बिक रहा है, घर घर बिक रहा है शराब। क्या कर रहे हैं नीतीश जी, बंद कर गए? किसको फ़ायदा करा दिया आपने? नुकसान तो हम लोगों का है ना, रेवेन्यू भी लॉस है प्लस पर्यटन का भी लॉस है। पर्यटक आते हैं उसको आपने पकड़ कर जेल में डाल दिया कि भाई शराब क्यों लाया आपने, तो क्यों आएगा बिहार आदमी और बाहर जाएगा काम करने के लिए? 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुआ शराबबंदी की वजह से, कुछ है उसका प्रूफ? क्या करेंगे नीतीश जी 1 करोड़ लोगों का? ऐसे ही ओपिनियन पोल के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।